तो हेलो माइनर्स, वेलकम टू दी नदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को हाईवेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, और अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस बिल्कुल ही सही वीडियो पाए हो। तो चलिए मैं आपको हाईवेस के कुछ पॉइंट्स के बारे में पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट जो आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो है उसका ओवरव्यू, उसकी साइड के बारे में, प्रोस एंड कोस, जिसके कुछ फ़ायदे, क्रिएटिंग एन अकाउंट, इसमें हम अकाउंट कैसे बना सकते हैं, और अपनी फ्लैशिंग हाईवेस ऑन USB एंड SSD, अब पेन ड्राइव और अपनी हार्ड डिस्क वगैरह जिसको भी फ्लैश करना है उसको कैसे फ्लैश कर सकते हैं, और लास्ट में कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ओवरव्यू। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे हाईवेस पे, तो आपको पहले देख के समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ से कहाँ, मतलब कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि इसका यूज़र एंड इसका फेस बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इसका साइट है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा पहली ही बार में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कस्टम में जो है लास्ट वाले में, उसमें तो 1000 रिग्स हैं, और जो स्टार्टर है, जिस जो स्टार्ट है उसमें माइनिंग रिग, एक रिग बिल्कुल ही फ्री है, सॉरी एक वर्कर एक रिग बिल्कुल ही फ्री है। उसके बाद आपको अगर माइनिंग वगैरह करनी है, मतलब एक रिग से ज़्यादा मैं आपको लगानी है, तो आपको आपको $3 देने पड़ेंगे पर रिग के। वैसे तो अगर स्टार्टर में आपके 4 वर्कर्स फ्री होते हैं, अगर आप हायो ऑन पूल पे इसको इस्तेमाल करते हो तो, और वैसे तो आपका एक रिग फ्री होगा, और एक रिग में आप चाहे जितने मर्जी ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो, तो उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। और वही आप स्टार्टर में आप स्टार्ट से एक ही लो, और अगर आपको चाहिए तो आप पर्सनल वाला इनका प्लान ले सकते हो। तो चलिए वीडियो, तो आगे आप लोगों को अब इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रो तो यही है कि इसकी वेबसाइट है वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, आपको पहली बार में जाते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और दूसरा, आप इस पे जितनी मर्जी बड़ी लार्ज स्केलिंग में माइनिंग कर सकते हो, 8+ GPU रिग इजिली आपकी स्टेबल रहेगी, और बाकी ऊपर भी स्टेबल रह सकते हैं, बट 8 जो है वो बिल्कुल ही स्टेबल रहेंगी, बहुत ही अच्छी चलेंगी आपकी जो 8 GPU वाली रिग होगी। इसके बारे में हम बातें कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको ये थोड़ी सी महंगी लग सकती है कि पर रिग का हमारा $3 मंथ का पड़ रहा है। और दूसरा है कि ट्रांसपेरेंसी इसकी थोड़ी कम है, बट फिर भी ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होगा, आप लोग इजली इसको यूज़ कर सकते हो। चलिए अब इसके थर्ड पॉइंट के बारे में बात करके, आपकी अकाउंट की सिक्योरिटी के बारे में। आपकी अकाउंट बहुत ही सिक्योर रहेगा, यहाँ पे आपको 2 ऑथेंटिकेटर पिन मिल जाएगा आपको लगाने के लिए। तो चलिए वो तो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो गाइस ये देख लीजिए आपके इसके कुछ हैं प्रोस एंड कॉन्स। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप, अकाउंट सेटअप। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको इस साइट पे आपको साइन अप कैसे करना है। तो सिंपली आपको सबसे पहले जाना है hives.farm पे, और आपको जाना है गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल डाल लेनी है। अपना लॉगिन की जगह आपको जो भी अपने माइनर का नाम चाहिए या रिक का नाम चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। और चलिए मैं आपसे मिलता हूँ लॉगिन करके। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया, और आपको सबसे पहले इंटरफेस यही शो होगा कि आप अपना ऑथेंटिकेटर ये अनेबल कर लें। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको आप अनेबल कर लें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्प करेगा आपका अकाउंट सिक्योर करने में। तो चलिए इसको कर, अभी तो मैं इसको कर देता हूँ, आई विल डू इट लेटर, क्योंकि अभी तो मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो ये है आपका बहुत ही ईजी सा इंटरफेस, तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर ये आपका है फॉर्म, और आपको फॉर्म में आपकी सारी रिग्स वगैरह ऐड करनी है। तो चलिए फिर अब हम इस पर क्लिक करके चलते हैं अंदर। और यहाँ पे आप सबको पहले सबसे पहले आपको तो ऊपर प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उसको प्लस के ऑप्शन को दबा देना है, और वहाँ से आपको ऐड वर्कर कर लेना है। आप ध्यान से देख लीजिए, वही प्लस का साइन ऊपर आ रहा है, कईयों का समझ में नहीं आएगा तो मेरा माउस का कर्सर देखिए। तो अब आपको बनाना है क्रिएटिंग अ वर्कर। सबसे पहले अकाउंट का आ गया पॉइंट, तो अब आप देख सकते हो आपका जो कर्सर, जो मेरा माउस का कर्सर है, वो GPU की तरफ जो पॉइंट है वो किया हुआ है। और अब यहाँ पे आपको अपना माइनर का नेम भरना है, जो भी आपको भरना है यहाँ पे। अभी तो मैं सिर्फ मिक्स्ड रिग भर रहा हूँ,
और नेक्स्ट पॉइंट, आप यहाँ से अपना पासवर्ड जनरेट भी कर सकते हो और अपना पासवर्ड खुद का रख भी सकते हो, तो वो तो आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी करना है। और यहाँ पे टैग्स का बहुत ही मतलब एक कमाल का काम है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टैग लगा सकते हो, जैसे अलग अलग GPU के लिए, तो जैसे आप AMD के लिए लगा सकते हो रेड, और यहाँ पे 1660 Ti, और NVIDIA के लिए ग्रीन, और बाकी जितने भी कार्ड्स अगर आपके पास हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टैग्स का नहीं पता कैसे ऐड करने, तो आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना है और यहाँ पे आपको कलर सिलेक्शन आ जाएगा, कलर सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पे लिख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ भी डाल देना, अभी तो एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल रहे हैं तो आप उसको इग्नोर कीजिए, आप अपना अपने हिसाब से सब कस्टमाइज़ कीजिएगा। तो उसके बाद आपका ये वर्कर रेडी हो चुका है, तो आपको यहाँ पे अपना वो सब कुछ दिख जाएगा, आप देख सकते हो तीनों चीज़ें मिल गई आपको। अगर आपको ये फाइल जो है मिल रही है लास्ट पे, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, तो चलिए इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अभी तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं, बट आपको बाद में बताऊँगा इसको कहाँ पे हमें डालना है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इन भाई का एक खुद की शॉप भी है और ये होम डिलीवरी भी करते हैं। अगर आपको भी अपनी रिग बनवानी है, आपको बहुत ही सही रेट पे यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, और आप देख सकते हो ये इनकी खुद की पर्सनल रिग है जो बहुत ही बढ़िया बन चुकी है, बनी हुई है। तो अगर आपको भी अपनी रिग बनवानी हो और घर पे डिलीवरी चाहते हो, तो आपको ये कस्टमाइज रिग भी बना के दे सकते हैं, तो आपको नंबर डिस्प्ले पर शो हो जाएगा, और अगर आपको इनसे बात करनी है तो आप बात भी कर सकते हो और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो ये डिस्प्ले पे इनका नंबर शो हो रहा है, अगर आपको अपनी कस्टमाइज रिग बनवानी है और सस्ते रेट पे, मतलब एकदम सही रेट पे, तो आप इनको कॉल कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, फ्लैशिंग iOS। तो जैसे आप iOS पे वापस जाएंगे उसकी साइट पे iOS पे, तो आपको अब iOS इंस्टॉल करना है, आपको जाना होगा ios.farm/install, तो आपको वैसे ऊपर दिखे जाएगा, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक तो GPU बेटा इमेज GPU वाला मिल गया, और AMD विकास, और आपको डाउनलोड क्या करना है मैं आपको बता दूँ। GPU में आपको करना है zip फोल्डर, आप zip फोल्डर करोगे तभी आपकी जो स्टेबल रहेंगी, मतलब आप वैसे भी जो लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो ज़्यादातर स्टेबल ही रहते हैं विंडोज से, तो चलिए हम इससे भी डाउनलोड कर लेते हैं। zip फाइल ध्यान रखिएगा, zip फाइल डाउनलोड करनी है। तो अब आप अपना जो भी डिवाइस है आपके पास, SSD या पेन ड्राइव, उसको ले लीजिए और उसमें हम फ्लैश करेंगे। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपको आप पेन ड्राइव ही लो, क्योंकि वो जल्दी ख़राब भी नहीं होती, और अगर ख़राब हो भी तो कुछ 1-1.5 साल बाद होगी, तो उसका कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, तो आपको पेन ड्राइव सजेस्ट करूँगा मैं। और SSD अगर आप लेते हो तो उसके लिए आपको एक कन्वर्टर लेना पड़ेगा, तो आपका ऐसे ही फालतू का खर्चा हो जाएगा, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप SSD के बजाय पेन ड्राइव लो। तो अब इसके बाद आपको जाना है ईथर पे, जो कि आपका होगा फ्लैश सॉफ्टवेयर जिसके सहारे आप इसको फ्लैश करोगे। तो चलिए हम ईथर की वेबसाइट को भी खोल लेते हैं। तो चलिए हमने इसको खोल लिया, ये है इसका, यूज़र फ्रेंडली है इसका भी बहुत, कि आपको समझ आ जाएगा पहली बार में। तो मेरी कुछ इंटरनेट की दिक्कत की वजह से यहाँ पे ये फैचिंग आ रहा है लेटेस्ट वर्जन, तो बट आप लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल का ये ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों को यहाँ से उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो बाकी मैं अगर ट्राई करता हूँ, अगर मेरा इंटरनेट सही होता तो आपको मैं दिखा दूँ, वैसे कोई चांस तो नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ से सिंपली उसको भी इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए हम आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे आपका जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ऐसे कुछ ऐसा दिखेगा, तो आपको यहाँ से सबसे पहले तो अपनी फाइल डाउनलोड की हुई थी जो आपसे मैंने करवाई, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपको फ्लैश कर देना है। तो अब आप लोग देख सकते हो हमारा फ्लैश कम्प्लीट हो चुका है। तो अब आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, आपकी पेन ड्राइव का नाम हाइव बन चुका होगा, बट आपको ये पहली बार में नहीं दिखेगा, आपको अपनी पेन ड्राइव निकाल के दोबारा से इंसर्ट करनी पड़ेगी। और मैंने जो आपसे वर्कर बनवाते हुए आपसे फाइल डाउनलोड करवाई थी जिसका नाम होगा rig.config, आपको उसको उठा के अपनी पेन ड्राइव में पेस्ट कर देना है। और अब आपको अपने PC में से उस डिवाइस को निकाल लेना है, पेन ड्राइव और SSD जिसको भी आपने अपबूट किया, फ्लैश किया, और अब उसके बाद आपको उसको लगा देना अपनी रिग में।
तो अब थोड़ी देर यहाँ पे आप वेट करेंगे तो आपको अपनी रिग दिखने लग जाएगी। अगर आपको अपनी रिग नहीं दिखती यहाँ पे तो आपको अपनी डिस्प्ले कनेक्ट करनी पड़ेगी अपने रिग से और देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत आ रही है उसमें। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो रिग वर्कर है वो हमारा यहाँ पे शो अभी हो नहीं रहा है, तो अब हम थोड़ी देर वेट करते हैं। तो अब हमने थोड़ी देर वेट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी रिग शो हो चुकी है। तो गाइस आपका जितनी भी आपके रिग में जितनी भी होंगी आपकी ये शाम पे आपको शो हो जाएंगी। और इसके बाद आपको अपनी ओवरक्लॉक सेटिंग्स जो वगैरह भी करना है वो आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हो। तो थर्ड पॉइंट है हमारा ओवरक्लॉकिंग। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो साइड पे बिल्कुल लास्ट पे आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो। अगर आपको एक एक करके ओवरक्लॉक करना है तो आप यहाँ पे एक एक को करके भी ओवरक्लॉक कर सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल सारे इकट्ठे करने हैं तो आप यहाँ पे टॉप पे दबाइए और आपको यहाँ पे एक अमाउंट भरेंगे तो आपके वो सारे के सारे GPU हो जाएंगे। और अगर आप एक अमाउंट भरने का स्पेस दबा के उसका फिर ऐसे भरते हैं, फिर स्पेस का फिर भरते हैं, तो आपके वो अलग अलग GPU के साथ लग जाएगी वो ओवरक्लॉक वाली सेट। और अगर आपको नहीं पता कि आप GPU को ओवरक्लॉक की सेटिंग्स क्या क्या है आपकी GPU की, तो आप किसी भी अलग अलग साइड पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे YT पे जाके आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में देने ये दिखाई है ये वेबसाइट, अगर आप इस साइड पर जाना चाहते हो तो आप जाके इस साइड पर जाके देख सकते हो। तो गाइस ये है हमारे कुछ पॉइंट्स जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कुछ समझ ना आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, अगर कोई कमी लगी तो भी बताना, अगर समझ में आए तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।